तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये जो हमारा फर्स्ट वाला ब्लू कलर का वायर है, जो ओ लिखा हुआ है, जो कि ओवरलोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारा ओवरलोड का जो पॉइंट है कहाँ पे आता है, मतलब ओवरलोड का जो एलईडी हमारा कौन सा है। तो ओवरलोड का हमारा सेकेंड वाला है, उस पर हम इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसका कनेक्शन जो है ये इस वाले पिन में होगा जहाँ पे हमारा प्लस है, क्योंकि इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, तो ये हमारा माइनस वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर देंगे ओवरलोड का ब्लू कलर का वायर, ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट के सेकेंड वाला भी ओवरलोड होगा, आपके इन्वर्टर में पहला में भी हो सकता है, सेकेंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। जहाँ पे हमारा ओवरलोड लिखा है वहाँ पे ही आपको कनेक्शन करना है, क्योंकि ये वाला जो वायर हमारा ओवरलोड का है, तो जैसे ही ओवरलोड होगा तो यही इंडिकेटर जलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा ग्रीन कलर का। तो ये जो हमारा ग्रीन कलर का है वो हमारा कनेक्शन कहाँ पे होगा, तो ग्रीन कलर का जो वायर है यहाँ पे प्लस बी करके लिखा हुआ है, तो ये वाला कनेक्शन आपको कहाँ पे करना है, जहाँ पे दो रेजिस्टेंस का एक साथ कनेक्शन किया गया है, यहाँ पे ये जो है 10 और 47 के का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आपको लगाना है इस ग्रीन वाले को, जहाँ पे इस कनेक्टर में बी प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, बी प्लस, और यहाँ पे आपको लगा देना है इसमें, ठीक। उसके बाद आ जाता है नंबर येलो कलर का। तो जो येलो कलर का वायर है वो हमारा है मेन का, ठीक। यहाँ पे जो मेन लिखा हुआ है यहाँ पे इसका है, तो इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमारा ऑरेंज कलर है, और ये जो ऑरेंज कलर है वो हमारा लो बैटरी का है, LV करके वहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा लो बैटरी पे चला जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि लो बैटरी हमारा कहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो लो बैटरी हमारा जो है यहाँ पे, बैटरी लो सबसे फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे आता है, तो मैं यहाँ पे इसके साथ मैं कनेक्शन कर दूंगा, उसके बाद हमारा बचा ये रेड कलर का। तो रेड कलर पे हमारा IV करके लिखा हुआ है, माइनस IV करके, तो इसका जो कनेक्शन होगा यहाँ पे होगा UPS वाले पे, ठीक है। ये जो रेड कलर का वायर है और जहां पे लिखा हुआ है IV, ठीक, तो वो हमारा यहाँ पे होगा जहां पे हमारा UPS का सिंबल बना हुआ है, मतलब LED लगा हुआ है वहां पे होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा दो वायर बच जाता है, जो कि एक हमारा ब्राउन कलर का है और एक हमारा ब्लैक कलर का है। तो जो हमारा ब्राउन कलर का है वो हमारा चार्जिंग का है, सी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चार्जिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें कनेक्शन कर दूंगा ब्राउन कलर का, इस प्रकार से कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर का एक वायर बच जाता है, ये बैटरी का ब्लैक है, तो ये जो ब्लैक वाला वायर है इसका कनेक्शन यहाँ पे होगा इस वाले पॉइंट पे, जहाँ पे इस LED का यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, सभी LED का माइनस, तो इसमें हम इसका साथ कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो जाता है, और ये कनेक्टर को मैं यहाँ पे निकाल के थोड़ा साइड में रख लेता हूँ। इस प्रकार से आपको कर लेना है। इस LED में जो दो वायर जाता है, तो माइनस वाला आपको यहाँ से ले लेना है, जहाँ पर मैंने इस कनेक्टर का जो ब्लैक वाला वायर है यहाँ से ले लेना है, यहाँ पे रेड कलर का वायर गया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। और जो प्लस है, तो एक रेजिस्टेंस के थ्रू जो है आपको इस स्विच में इस प्रकार से लगाना है, और यहाँ पे एक वायर के थ्रू इसमें इस प्रकार से कनेक्शन करना है। तो आइए अब मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन इस बोर्ड में करता हूँ, तो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे ऑन ऑफ का दिया हुआ है, तो ये हमारा मेन स्विच का चला जाता है। तो मैंने आपको शुरू में इस बोर्ड का डिटेल्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पे हमारा स्विच आता है। तो आपको स्विच में इसी प्रकार से कनेक्शन करना है कि इस वाले पॉइंट पे हमारा प्लस आए और इस पे हमारा जो स्विच का कनेक्शन है वो आए, ठीक है। तो मैं दो वायर ले लेता हूँ, और किस प्रकार से कनेक्शन करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दो वायर है इसको मैं इस स्विच वाले पे कनेक्शन करूँगा, और ये जो वाला, ये जो हमारा बैटरी वाला प्रिंट आता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है। तो ये जो प्लस वाला प्रिंट हमारा यहाँ पे आता है स्विच वाले पे,
और एक स्विच का प्रिंट हमारा इसमें आ रहा है इस बोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्ट प्लस वाला आता है तो वहाँ पे मैं रेड कलर का वायर कनेक्ट करूँगा, और एक वायर हमारा जाता है मेन आईसी पे जहाँ से ऑन ऑफ कंट्रोल करेगा, तो वहाँ से मैं दो वायर ले लूँगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने दो वायर का कनेक्शन किया है। तो ये जो हमारा रेड कलर का है इससे आता है, जहाँ से डायरेक्ट बैटरी से ये प्लस है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वाला पॉइंट है ये प्लस है और यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है, ठीक इस प्रकार से। और ये जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है इसको आपको कहाँ पे कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे ये कनेक्टर जो बना हुआ है तीन पिन का, तो यहाँ पे आउटपुट दिया गया है जो सेंटर वाला है, यहाँ से हमारा आउटपुट होता है, ठीक। तो ये जो हमारा तीन वायर है तो इस तीन वायर को हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो जो रेड वाला है तो रेड वाले को आपको कहाँ पे कनेक्शन करना है, जहाँ पे ये जम्पर लगा हुआ है यहाँ पे, आपको इस रेड वाले को जो है इसी में लगाना है, इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। आपको इसी में लगाना है जहाँ पे जम्पर के थ्रू प्लस वोल्ट इसमें आता है, और एक और हमारा वायर बचता है स्विच से आता है, इसी में डालना है। तो ये हमारा नॉर्मली स्विच का कनेक्शन हो गया, यहाँ पे ये दो वायर उठ के यहाँ पे आता है, तो ऑन ऑफ हमारा मेन स्विच का हो गया जो कि मेन बोर्ड का है, ठीक है। और यहाँ से मैंने आउटपुट के पास से मैंने एक वायर निकाला था जो कि ब्लैक कलर का है, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा कनेक्शन, और एक पिन हमारा खाली हो जाता है। तो वो बीच वाला जो हमारा कनेक्शन है ये इसी प्रकार से होगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको अच्छे से फिर से समझा दूँ, जैसे यहाँ पे अगर हम 12 वोल्ट बैटरी से सप्लाई देंगे प्लस और माइनस, यहाँ पे स्विच है इस मेन बोर्ड का, तो इस बैटरी का प्लस और इस स्विच में जो प्लस होता है उसका प्लस यहाँ पे आया हुआ है और उसी प्लस के थ्रू यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको जब ऑन करेंगे तो प्लस सप्लाई इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें जाएगा और माइनस तो हमारा इस कनेक्टर पे जो ब्लैक कलर का वायर है इससे माइनस चला जाएगा, तो ये हमारा LED ग्लो कर जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो हमारा स्विच है सभी में कनेक्शन हो गया, बस एक स्विच हमारा यहाँ पे जो खाली बचा है वो हमारा कनेक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये मैंने एक होल्डर लगाया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होल्डर लगाया था, इसका एक वायर जो खाली बचा है ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है इनबिल्ट CFL, क्योंकि इसमें इंटरनल जो सॉकेट दिया गया है मतलब होल्डर दिया गया है वो इनबिल्ट CFL के इंडिकेट कर रहा है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए जो ये स्विच लगाया गया है, ये स्विच हमारा जो है इस LED के लिए है, और ये हमारा जो स्विच है ऑन ऑफ मतलब मेन हमारा जो पूरा इन्वर्टर है उसको ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कनेक्शन हो चुका है। तो आइए अब मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे जो वायर मैंने कुछ निकाले थे उसका मैं कनेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन करूँगा ये जो तीन वायर है उसका कनेक्शन मैं करूँगा। ये जो मैंने तीन वायर निकाला था जिसमें ग्रीन हमारा कॉमन है, ये जो हमारा ब्लू कलर का वायर है ये हमारा इनपुट है जो कि 220 वोल्ट मैं यहाँ पे जो मेन वायर के थ्रू दूंगा। मैं आपको कॉर्ड दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। जैसे ये मेन हमारा 220 वोल्ट AC देंगे तो यहाँ से फ्यूज के थ्रू इसमें आएगा, और ये हमारा येलो कलर का है, ये हमारा आउटपुट का है। तो तीन वायर हमारा यहाँ पे आता है और ये तीन पॉइंट हमारा कहाँ पे कनेक्शन होगा, एक कॉमन यहाँ पे है, बीच वाला हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। तो इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉमन जो है हमारा, तो कॉमन पे ग्रीन कलर का वायर मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर दूंगा। बीच वाला हमारा आउटपुट है तो येलो कलर का मैं यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा, और ये जो हमारा साइड वाला है वो हमारा इनपुट है जो ब्लू कलर का है, तो यहाँ पे मैं इसका कनेक्शन कर दूंगा। तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जो ग्रीन कलर का ये हमारा इस बोर्ड का कॉमन है, बीच वाला आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है, तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो आप देख रहे हैं तो इसका तीन वायर है, तो जिसमें आपको दो ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा और एक हमारा ब्लैक कलर का है, तो ये 12 है, 0 है, 12 है,
तो इसका कनेक्शन जो है आपको यहाँ पे करना है, ये जो हमारा सॉकेट बना हुआ है वहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि तीन पिन यहाँ पे बना हुआ है तो बीच में जीरो है, साइड वाला दोनों 12 है, आपको यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। तो एक पॉइंट जो हमारा डायरेक्ट कैपेसिटर के आता है, बाकी दो पॉइंट हमारा यहाँ पे डायोड पे जाता है। तो ये दोनों पॉइंट पे हमारा 12 और 12 होगा। तो इसका कनेक्शन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे तीन वायर है, ठीक है। तो जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है इसको मैं फर्स्ट वाले पे कर दूंगा जो कि 0 है, और बाकी यहाँ पे 12 और 12 है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको ट्रांसफार्मर का कनेक्शन यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे 4 वायर बचता है, ठीक है। तो ये दोनों वायर जो हमारा बैटरी का है, ये ऊपर से आता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो दोनों वायर आता है माइनस और प्लस का, तो उसको आपको कनेक्शन कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है जहाँ पे ये दो वायर लगा हुआ है। तो ये जो दोनों वायर आता है हमारा बैटरी का, तो यहाँ पे आ जाएगा बैटरी का। ये हमारा एक्सटर्नल कनेक्टर है और ये हमारा इंटरनल के लिए ये दो वायर है, जहाँ पे अंदर बैटरी लगेगा उस पे ये वाला दोनों वायर हमारा कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये प्रिंट खराब हो चुका था इसलिए ये थोड़ा सा जम्पर लगा हुआ है। तो आपको माइनस और प्लस के देखते हुए यहाँ पे जो इस वायर को लगा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बैटरी का भी हो जाता है। और जो हमारा सोलर का जो वायर हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, सोलर का प्लस वाला, आपको उसका कनेक्शन यहाँ पे करना है जहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, ये बड़ा वाला कैपेसिटर, तो इसके प्लस वाले पे कनेक्शन आपको कर देना है जो डायरेक्ट सोलर से आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस कैपेसिटर का जो वैल्यू है 2200 UF 35 वोल्ट में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्लस हमारा जाएगा 7812 में, जो कि यहाँ पे नहीं लगा है, फिर भी मैं यहाँ पे कनेक्शन करके आपको दिखा दिया है ताकि आप लोग अच्छा से समझ सके। तो लगभग हमारा यहाँ पे जो है वायरिंग हो चुका है, एक वायर हमारा दोस्तों यहाँ पे बच चुका है। तो इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर दूंगा, ये जो हमारा स्विच बचा हुआ था यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया होल्डर का, और सभी कनेक्शन हमारा दोस्तों लगभग हो चुका है। तो इस कनेक्टर को मैं फिर से यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो आइए मैं एक बार जो इसमें बैटरी लगाकर चेक कर लेता हूँ। अभी मैं इसको फिक्स नहीं करूँगा, बॉडी को आप खुद से भी टाइट कर सकते हो, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। तो मैं इसको जो है डायरेक्ट बैटरी पर सोल्डिंग कर दूँगा। तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट का ये रहा बैटरी, तो इस पे जो है मैं इस वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैटरी का भी कनेक्शन जो है कर दिया है। उसके बाद मैं एक छोटा सा CFL इसमें लगा देता हूँ टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने CFL को भी लगा दिया है, देख सकते हैं ये CFL है। और इस बोर्ड को मैं अभी जो है इसमें टाइट नहीं कर रहा हूँ, अभी ऐसे में खुले में चेक कर रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो फिर से मैं इसको रिपेयर कर सकूँ। यहाँ पे इसको मैं ऑन करूँगा और ये देखूँगा कि ये हमारा बोर्ड जो है वायरिंग जो मैंने किया है वो अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा UPS का LED है वो हमारा ग्लो कर रहा है, और यहाँ पर ये भी लाइट जल रहा है। मैं सारे ऑफ कर लेता हूँ अपना लाइट, ठीक है। देखिए यहाँ पे UPS वाला हमारा ऑन हो चुका है, तो ये हमारा काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है दोस्तों। अभी मैं मेन वाला वायर जो है इसमें लगाता हूँ, मेन ये जो है मैं लाइन में लगाता हूँ। देखिए मैंने मेन वाला जो है कॉर्ड लगाया और ये मेन पे हमारा है और ये चार्जिंग पे चला गया, ठीक है। और अभी जो हमारा LED यहाँ पे चल रहा है ये मेन वाला पॉइंट से चल रहा है, और जैसे ही मैं मेन वायर को निकालूंगा ये डायरेक्ट जो है UPS मोड पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है। अभी मैं फिर से 220 वोल्ट AC सप्लाई इसमें दे रहा हूँ, देखिए मेन सप्लाई इसमें आ चुका है और ये हमारा चार्जिंग भी हो रहा है, ठीक। अगर ओवरलोड का जो प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर तो ये ओवरलोड जाएगा, और लो बैटरी जो होगा तो ये हमारा इंडिकेटर जलेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे हो चुका है
और ये हमारा एलईडी का ऑन ऑफ है, जो कि यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार का ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारा जो एलईडी है फ्यूज है। तो अगर आपके पास जो ऐसा इन्वर्टर होगा तो उसमें तो सही होगा, तो आप यहाँ से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारा काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है, और बैक साइड में जो मैंने कनेक्शन किया था दोस्तों इस सॉकेट का, वो भी हमारा अच्छा से काम करेगा इस स्विच के थ्रू। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आप कंप्लीट वायरिंग कर सकते हो। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वायरिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।